अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर कस्वर सईद, ये मेरे साथ जो है ना शहजाद भाई बैठे हुए हैं, ये भी इनका तौसा शरीफ से ताल्लुक है। आज हम बात करेंगे गुर्दा ट्रांसप्लांट की, और जिगर ट्रांसप्लांट के लिए भी यही असूल लागू होता है। आप सबको मैंने बताया था कि एबीओ कंपैटिबिलिटी के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई थी, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एचएलए क्रॉस मैचिंग के लिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा साहब का शागिर्द हूँ, और शेख जैद अस्पताल लाहौर से जो है ना वो मेरी ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजी की जो है वो ट्रेनिंग रोटेशन है। तो जो एचएलए होते हैं ना, ये एक क्लास वन होता है और एक क्लास टू होता है। इनमें से जो क्लास वन है वो मौके के ऊपर ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही गुर्दे या जिगर को उसी वक्त जो है ना ख़त्म कर सकता है, उसको नीला कर सकता है और वो ज़ैव कर सकता है। जो एचएलए टू है उसमें जो डीआर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी जो है ना लॉन्ग टर्म में 5 साल में, 4 महीने में, 3 महीने में कभी भी गुर्दे को डैमेज कर सकती है। तो इसके लिए जो टेस्ट लाइक आपको पीकेएलआई जाने की, गम्बेट जाने की या शेख जैद जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पहले हमसे रब्ता कर रहे हैं, और आपको इब्तदाई टेस्ट जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं वहीं पे भी करवाए जा सकते हैं। उनमें कुछ सीटीसी है, कुछ और टेस्ट भी हैं। जो एचएलए टाइपिंग है इसके लिए लेबॉर्टरी ने 3 तरह के तरीके यूज़ करिए शहजाद भाई। एक तरीका है उसमें SSO, एक तरीका है उसमें SSP, और एक तरीका है SBT। तो सिंगल सिक्वेंसिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड SSO है, ये सबसे सस्ता तरीका है, और इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल पता नहीं चलती कि ये गुर्दा आगे चलेगा या नहीं चलेगा। और फिर जो SSP है वो सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर डालते हैं, वो कुछ एडवांस लेबॉरेटरियाँ ये वाला काम कर रही हैं, लेकिन इनमें भी कुछ पेचीदगियाँ ऐसी रह जाती हैं जो आगे जाके गुर्दे को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो SBT है, जिसमें हम सीक्वेंस बेस्ड टाइपिंग करते हैं। इसके साथ जो इससे भी एडवांस है वो इसका पार्ट ही समझा जाता है NGS, जिसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कहते हैं। आप लोग ज़रूर इसके नाम से वाकिफ़ होंगे, ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, इसमें कोई उभाम नहीं रहता। कुछ भी बात नहीं, आपसे पैसे तो SBT के ले लेती हैं, लेकिन करके आपको SSO देती हैं, और कुछ SBT या नेक्स्ट जनरेशन के पैसे लेके आपको SSP कर देती हैं। तो ये आपने हमें दिखाना है, हमें बताना है कि यार हम कौन सा करवाएँ और कितने पैसे लगेंगे, और लेबॉरेटरी ने कोई हमारे साथ धोखा तो नहीं किया। तो हमारा गुर्दा टेबल के ऊपर जब लगाया जाए या जिगर, उसी वक्त काला नीला हो गया ज़ाय तो नहीं हो जाएगा, तो आर्गन भी, अज़ा भी ज़ाय हो जाएंगे, और जो है ना वो मरीज़ के लिए भी नुकसान होगा। तो आर्गन ट्रांसप्लांट हमेशा लीगली करवाएं, होटा से अप्रूव करवा के अच्छे डॉक्टर को मुंतखब करें, जिसको इच्छी बिची का पता हो, जो ट्रांसप्लांट की बारीकियों को, गहराइयों को जानता हो, कि जिस बंदे को गुर्दा या जिगर लग रहा है उसके अंदर कोई ऐसी दिफाई कुव्वत, ऐसी फोर्स, कोई ऐसा जरासीम मौजूद तो नहीं है जो आते ही जो नया गुर्दा है या नया जिगर है उसको मौके पे ही भस्म कर दे, या अगले 4 सालों में वो भस्म हो जाए, आप लाखों रुपए भी खर्च करें और आपका जो आर्गन है वो ज़्यादा देर चलेगा भी नहीं। तो इसके लिए इंशाल्लाह शहजाद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं भी इंशाल्लाह मौजूद हूँ। आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि आप रिपोर्टें शेयर करेंगे हार्मोन लैब या दूसरी लैब के, आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा उन्होंने SSO किया है, SBT किया है या SSP किया है, और कितने क्रॉस मैच हैं, CDC क्रॉस मैच ठीक है नहीं है, HLA का क्या सीक्वेंस है, मज़ीद फ्लो करवाना है नहीं करवाना, ल्यूमिनेक्स करवाना है नहीं करवाना। तो इंशाल्लाह ताला जुड़े रहिएगा, अब सब के खैर खा, आप सब के लिए दुआ गो है इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर कस्वर सईद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। शहजाद भाई अल्लाह हाफिज़।